चंडीगढ़ के हल्लो माजरा फॉरेस्ट एरिया में एक 6 वर्षीय बच्ची की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक 12 साल के नाबालिग आरोपी को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार आरोपी बच्ची को लेकर जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान कर दबोचा है। आरोपी से पूछताछ करने के बाद सबूत जुटाकर पुलिस उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। आपको बता दें कि बच्ची शुक्रवार शाम से घर से लापता चल रही थी, जिसकी स्वजन और संबंधित थाना पुलिस मिलकर रात भर तलाश कर रहे थे। सुबह जंगल एरिया से लाश मिलने के बाद पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स और एरिया के लोगों की भीड़ लगी हुई है। मृतक बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बेटी गवर्नमेंट स्कूल में नर्सरी की छात्रा थी। वह परिवार के साथ पिछले 30 सालों से चंडीगढ़ में रहते हैं और उनके 3 बच्चों में बेटी सबसे बड़ी थी। बच्ची रोजाना सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे 2 ट्यूशन क्लास पड़ोस में जाकर अटेंड करती थी। शुक्रवार सुबह की क्लास के बाद शाम 5 बजे वाली ट्यूशन क्लास में बच्ची के न पहुंचने की उन्हें सूचना मिली, जिसके बाद आसपास तलाश करने पर बच्ची का पता नहीं चला। शाम 7:30 बजे पिता ने संबंधित सेक्टर 31 थाना पुलिस को बच्ची के लापता होने की सूचना दी। सूचना के बाद तत्काल एक्शन में आई पुलिस ने स्वजनों के साथ मिलकर एरिया में तलाश करने के साथ साथ आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। मृतक बच्ची के पिता ने बताया कि देर रात तक पुलिस टीम उनके साथ बच्ची की आसपास के इलाकों में तलाश कर रही थी। सुबह शमशान घाट के बैक साइड फॉरेस्ट एरिया में पुलिस के साथ तलाश करने गए। इस तलाशी के दौरान उनकी बच्ची मृत हालत में मिली, जिसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आपका इस पुलिस के कार्रवाई पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।